आखिर किस बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने कही है ये बड़ी बात? आखिर किस बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट का मानना है कि बिग बॉस सीजन 16 में तो कोई टास्क ढंग का होता ही नहीं है? आखिर कौन से बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कह रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 16 में जो भी टास्क हुए हैं इससे ज़्यादा टॉर्चर वाले टास्क हुए हैं हमारे सीजन में और इसके पहले भी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिग बॉस टास्क रुकवा दे रहे हैं? कौन है जो ऐसा कह रही हैं और कह रहे हैं? आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस ट्विस्ट एंड टर्न का घर है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब है कि कब कौन किसका दोस्त हो जाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, कब कौन किसकी टीम में चला जाए, ये आप कभी भी बिग बॉस के घर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे शालीन जो इतने समय से मंडली का हिस्सा बनकर घूम रहे थे, वो शालीन अब प्रियंका चहार चौधरी और अर्चना के साथ मिलकर कहीं ना कहीं मंडली को पूरा गिराने की कोशिश में है। और जिस तरीके से अभी पैसे का जो टास्क हुआ था, जो पैसे वापस लाने वाला टास्क हो रहा था बिग बॉस के घर में, जिसमें पहले नॉन मंडली ने पार्टिसिपेट किया और मंडली ने बहुत कोशिश की जिस हिसाब से हाथ छुड़वाने की, मतलब टास्क वही था कि बजर से जो है इनका हाथ हटना चाहिए। बजर से हाथ हट गया तो 21,80,000 रुपये जो है वो आपको, मतलब पूरे आपको 50,00,000 रुपये मिलेंगे और इनको सिर्फ इतना ही मिलेगा जो आधा अमाउंट होगा वैसा, मतलब अगर इनमें से कोई जीता तो बजर छुड़वाने की बहुत कोशिश की गई शिव द्वारा, स्टैन द्वारा, सोमबुल द्वारा, निमृत द्वारा, शिव द्वारा और स्टैन द्वारा। सोमबुल जो है वो इस टास्क में पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि शिव का ये मानना था कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस चीज़ पे। और रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते हैं ये उन्होंने अभी तक कोई भी अपना सफाई वाला स्टेटमेंट दिया नहीं है इस चीज़ पर। तो हाल ही में और जिस तरीके से टास्क हुआ उसमें फिर हेयर रिमूवर क्रीम डाले गए और ट्रिमर का इस्तेमाल किया गया, भले ट्रिमर से कुछ काटा नहीं गया बाल वगैरह, लेकिन इस्तेमाल किया गया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पानी डाली गई, बर्फ़ डाले गए, तेल डाला गया, साबुन डाले गए बजर पे, शरीर पे, तो उसी चीज़ को लेकर। और आपको पता होगा कि कल के एपिसोड में बिग बॉस ने जो है टास्क रुकवा दिया, तो उसी चीज़ को लेकर गौहर खान जो है उन्होंने ट्वीट किया है, जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट भी और विनर भी हैं, ये देख सकते हो आप, गौहर खान का ट्वीट है। गौहर खान कहती हैं, बट ये तो फैक्ट है, इससे ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, बहुत ज़्यादा। मिर्ची और पेपर फेस पे रगड़ा गया है सीजन 8 में, बाल काटे गए हैं, कुत्ते की पोटी डाली गई है, मस्किटो रिपेलेंट फेस पे डाला गया है, पर टास्क कभी रद्द नहीं हुआ, रोका गया पर रद्द नहीं हुआ। फिर कोई लिख रहा है कि दिस इज़ वाई मोस्ट पीपल लविंग अर्चना, जीतने का जज्बा अर्चना में दिखाई देता है, विदाउट एनी पेड पीआर वो ट्रेंडिंग टॉप पर है, व्यूअर्स चॉइस अर्चना। फिर कोई लिख रहा है, उस सीजन में बीबी की लाडली नहीं थी, इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो गौहर खान कह रही है वो सही कह रही है, या फिर इस सीज़न जो है बिग बॉस सच में बेस्ट है? ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।